एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रूपाली किचन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं बना रही हूँ एक फटाफट से मजेदार सा सैंडविच सुबह के नाश्ते में। तो इसके लिए मैंने ये दाबेली मसाला बना के रखा हुआ है। आज जो हम सैंडविच बना रहे हैं उसका नाम है दाबेली मसाला सैंडविच। तो इसके लिए मैंने ये दाबेली मसाला बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं इसको वीडियो के एंड में जरूर ऐड कर दूंगी। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं दाबेली सैंडविच बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ब्राउन ब्रेड, तो आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं मसाला फिल कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर सॉस या कोई भी चटनी, मेयोनीज, कुछ भी लगा सकते हैं। आज मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। आप कोई भी डिश के साथ जितना भी इनोवेटिव कर सकते हैं, आप अपनी पसंद और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं इसे बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। मैं ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से दबा दबा के फिल कर लिया है। तो मैंने ब्रेड के एक स्लाइस में वो फिल कर लिया है और ब्रेड के एक स्लाइस में मैं अंदर साइड लगा रही हूँ देसी घी। इससे इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। और देन मैं इसको घी वाले साइड को अंदर करके रख रही हूँ ताकि इसके अंदर भी उतना ही टेस्ट है। और मैं अब इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये हमारा सैंडविच ओपन ना हो, ठीक है। और अब मैं इसके साथ ही साथ, आज मैं इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में नहीं बना रही हूँ, आज मैं इसे गैस पे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने गैस वाला सैंडविच मेकर लिया है और अब मैं इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर लूंगी। आप घी से, ऑयल से, बटर से, कुछ से भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो सैंडविच मेकर को मैंने ग्रीस करने के बाद उसे थोड़ा सा गैस के ऊपर रख दिया है प्री हीट होने के लिए। और मैं अब इस सैंडविच के दोनों तरफ अच्छे से बटर लगा लूंगी या घी लगा लूंगी। मैं अभी इसमें घी लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका सैंडविच दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा ब्राउन सिकेगा भी और साथ ही क्रिस्पी भी बहुत होगा। तो आप इस तरीके से दोनों तरफ अच्छे से इसमें घी लगा लीजिए। ये देखिए, मैंने इसे बढ़िया से घी लगा लिया और अब मैं इसे टोस्टर में डालूंगी। तो जब तक वो हमारा सैंडविच मेकर गरम हो रहा है, मैं आपको एक दूसरा टेस्ट भी बता रही हूँ सैंडविच के लिए। ये देखिए, मैंने एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर मेयोनीज लगा लिया है ढेर सारा। एंड अगर आप मेयोनीज खाना पसंद करते हैं, आपके बच्चे और आप, तो आप इसे बहुत ही यम्मी बना सकते हैं मेयोनीज सॉस। तो मैंने इसमें अच्छे से मेयोनीज स्प्रेड कर लिया और अब मैं इसकी दूसरी स्लाइस में लगाऊंगी थोड़ा सा सॉस। तो मैंने इसके दूसरी स्लाइस में लगा लिया है सॉस और मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने एक स्लाइस में मेयोनीज लगाया और एक स्लाइस में सॉस लगाया हुआ है, ठीक है। और पहले हम इस सैंडविच को डाल देते हैं हमारे सैंडविच मेकर में। ये हमारा सैंडविच मेकर गरम हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी ये स्लाइसेस सैंडविच की। और मैं इसे एकदम लो फ्लेम में दोनों तरफ से सेक लूंगी, ठीक है। आप इसे ऐसे उलट पुलट करके दोनों तरफ सेक लीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, क्रिस्पी नहीं हो जाता, ठीक है। सैंडविच सिक रहा है तब तक हम अपना दूसरा सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसमें सॉस और मेयोनीज लगा के रखा हुआ है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिलिंग, ठीक है। ये हमारी दाबेली वाली फिलिंग डाल रही हूँ मैं इसमें। इस फिलिंग में मैंने अनार दाना, मूंगफली दाना सब कुछ डाला हुआ है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए ये नॉर्मल सैंडविच से थोड़ा अलग है। आप इसे जरूर ट्राई करिए, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपकी दाबेली की दाबेली भी हो जाएगी और सैंडविच का सैंडविच भी हो जाएगा। अगर आपके पास पाव नहीं है तो आप ऐसे भी दाबेली का टेस्ट ले सकते हैं, है ना। ये देखिए, मैंने इसे बढ़िया से प्रेस कर लिया है और अब इसे भी मैं सीखूंगी। पहले हम हमारा सैंडविच देख लेते हैं। तो अभी हमारा सैंडविच सीख रहा है, इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है,
क्योंकि हम इसे एकदम ही लो फ्लेम पे सेकते हैं, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार होता है। तो आप इसे दोनों तरफ ऐसे उलट पलट करके सेक लीजिए अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारा ये सैंडविच दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सिक चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया और अब मैं इसी में हमारा ये दूसरा सैंडविच भी, जिसमें हमने मेयोनीज एंड सॉस लगाया हुआ है, इसे भी मैं सिकने के लिए इसमें डालती हूँ। ये देखिए, इसमें हमने सॉस और मेयोनीज लगाया हुआ है और अंदर दाबेली मसाला की फिलिंग भी की हुई है। और अब मैं इसे भी दोनों तरफ से सेक लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारा वो सैंडविच सिक रहा है, मैं आपको एक और नया सैंडविच बनाती हूँ। तो देखिए, आज मैंने आपको एक रेसिपी में चार तरीके के सैंडविच बताए, सिंपल दाबेली सैंडविच, मेयोनीज एंड सॉस वाला दाबेली सैंडविच, और अब मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा चीजी दाबेली सैंडविच। इसके लिए मैंने इसमें एक तरफ हमने इसके चीज स्प्रेड को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम ब्रेड के एक स्लाइस में। ओके, मेरा वो सैंडविच सिक रहा है तो मुझे उधर भी ध्यान देना हो रहा है, अदरवाइज मेरा सैंडविच जल जाएगा। तो फटाफट से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे, और अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो आप चीज स्लाइस या चीज क्यूब भी यूज कर सकते हैं, और ज्यादा चीज खाते हैं तो वो भी यूज कर लिए दोनों, स्प्रेड एंड स्लाइस भी। बट मैं इसमें सिर्फ वो डाल रही हूँ चीज स्प्रेड, और इसकी दूसरी स्लाइस में मैं डाल रही हूँ मेयोनीज। तो आप मेयोनीज को भी अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए मैंने इसकी दूसरी स्लाइस में डाला है मेयोनीज, और मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालती हूँ हमारा ये दाबेली का मसाला, आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिए दाबेली मसाला से। तो मैंने इसे अच्छे से फिल कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ हमारी ये दूसरी स्लाइस, और मैं इसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर लूंगी ताकि ये हमारा खुले ना। और अब मैं इसे हमारे सैंडविच मेकर के अंदर रखती हूँ। तो पहले मैं इसके दोनों तरफ अच्छे से घी लगा लेती हूँ। आप इसके दोनों तरफ अच्छे से घी लगा लीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन भी सीखता है क्रिस्पी। तो मैंने इसके दोनों तरफ घी लगा लिया है। ये देखिए, मैंने बढ़िया से घी दोनों तरफ लगा लिया, और अब इसे मैं भी डालती हूँ। तो मैंने इसे भी ग्रीस कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल के हमारा ये चीज वाला सैंडविच, और इसमें इसे बंद करके अच्छे से दोनों तरफ सेक लूंगी। ये हमारा सैंडविच दोनों तरफ से बढ़िया ब्राउन हो गया है, और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारे फटाफट से सैंडविच तैयार हैं, और मैंने आज तीन तरीके के सैंडविच बनाए हैं, सिंपल दाबेली सैंडविच, मेयोनीज एंड सॉस वाला दाबेली सैंडविच, एंड बहुत ही चीजी वाला दाबेली सैंडविच। मैं ये चीज वाला दाबेली सैंडविच आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और अंदर से चीजी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दाबेली और चीज दोनों का ही टेस्ट आ रहा है, तो आप भी इसे जरूर बनाइए और ट्राई करिए। और चलिए, तो फटाफट से देखते हैं वीडियो के एंड में कि दाबेली मसाला हमें कैसे तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमारा ऑयल गरम हो गया है, और हम मैं इसमें डालती हूँ जीरा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ ही साथ मैं इसमें मैंने ये चार आलू ग्रेट कर लिया था, और मैं इसमें डाल रही हूँ फोर आलू ग्रेटेड आलू, और अब इसी आलू के ऊपर मैं डालूंगी सारे हमारे मसाले जो दाबेली में हम लोग फिल करते हैं पाव के बीच में आलू का मसाला। तो मेन तो
टेस्ट हमारा उसी से आता है। तो चलिए इस मसाले को बनाते हैं बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा स्ट्रीट स्टाइल आज दवेली हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1-2 से 3 लौंग मैंने क्रश कर ली थी, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। काले नमक के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हमारी काली मिर्च, काली मिर्च थोड़ा और डाल रही हूँ मैं, एंड साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हमारा देगी लाल मिर्च। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के धना धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर कर गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं इसमें डालूंगी हमारे ये सूखे खड़े धने जिसको मैंने कूट लिया है, इससे दाबेली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये 2 मिनट मैंने मसाला हमारा भून लिया और ये अच्छे से भून गया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। आप इसमें चीनी डालें और साथ ही साथ इसमें अमचूर भी अच्छे से डालें, क्योंकि और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें तीखी लाल मिर्च भी डालें, बट क्योंकि मार्केट में जो मसाला मिलता है वो बहुत ही तीखा और बहुत मज़ेदार होता है, बट मैं तीखा खाना कम पसंद करती हूँ, मैंने इसमें तीखी मिर्च नहीं डाली है। और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पाव भाजी मसाला, ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दाबेली का टेस्ट इसी से आता है। तो आप इसमें वैसे तो मार्केट में दाबेली मसाला भी मिलता है बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा इसमें पाव भाजी मसाला ही ऐड करती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है हमारा पाव भाजी मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और साथ ही साथ इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून पानी, आप पानी ऐड करेंगे तो इससे आपके दाबेली का मसाला थोड़ा अच्छा होगा गीला, जो हमारी पाव के बीच में जाके अच्छे से चिपकेगा भी, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें मसाले अच्छे से बन जाएंगे। तो बस आप इसे 2 मिनट ढक कर पका लीजिए। ये देखिए 2 मिनट बाद मेरा मसाला एकदम तैयार है, और अब इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। मैंने ये हमारा आलू का मसाला प्लेट में निकाल लिया, और अब हम इसमें डालते हैं ये क्रश की हुई मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली के दाने ये, और इसी में मैं डालूंगी कुछ अनार के दाने। बिलीव मी, अनार के दानों से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ बारीक कटा हुआ प्याज, ये हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया, और बहुत थोड़ा सा बारीक सेव। तो ये हमारा एकदम मसाला तैयार है। तो ये आपने देखा कि दाबेली मसाला हमने कैसे तैयार किया, और ये मसाले की रेसिपी मैंने हमारी कच्ची दाबेली वाले वीडियो में भी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।